नमस्ते, मैं शौरबानी, सहजे सुस्वादु किचन में आपको हार्दिक स्वागत। मेरा आज का रेसिपी बंगाली ट्रेडिशनल रस पान पीठा। ये सबसे आसान पीठा रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। सिर्फ 3 सामग्री से ये बन जाएगा। चलिए रेसिपी देख लेते। 1 ग्रेट किए हुए नारियल, 1 ये रेसिपी चीनी से बनाया जाता है, लेकिन चीनी खाना तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए गुड़ से बना रही हूँ। 100 बंगाल का खेजूर गुड़। गुड़ से तैयार करने से चीनी से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। 2-3 मिनट तक इसे अच्छा से मसल के मिक्स करना चाहिए। ये मैदा या आटा दोनों से ही बनाया जाता है। 1 मैदा लिया, नमक 1/2 चम्मच अच्छे से मिला लेंगे। कोई तेल या घी नहीं डालेंगे इसमें, सिर्फ पानी से ही ये डो बना लेंगे। 1 मैदा में 1 पानी देके ये डो बना लीजिए। थोड़ा टाइट डो बनाएंगे। तीन मिनट तक मसल के इसे ढक्कन देके 10 मिनट के लिए रखा। 10 मिनट बाद ढक्कन उठा के फिर से इसे मसल लेंगे। 1 मैदा से 5 रस पान पीठा बनेगा। ये बड़ा डो से 5 छोटा डो तोड़ लेंगे। थोड़ा सा तेल देके ये डो से रोटी बना लेंगे। इसे पतला बेलेंगे। स्टफिंग को मिडिल से दे देंगे। किनारों से खींच के इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके उंगली से दबा देंगे ताकि खुल ना जाए। एक फोर्क से ऐसा करके डिजाइन बना लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए 1 कढ़ाई में तेल डालेंगे। थोड़ा सा घी डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। 1-1 करके रस पान पीठे को देके फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट तक पलट के फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई करने से सख्त बन जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा।
एक एक करके फ्राई करके उठा लेंगे। अब चाहे तो दो भी एक साथ फ्राई कर सकते हैं, अगर आपका पैन थोड़ा बड़ा हो तो। एक एक करके फ्राई करके उठा लिया, लेकिन इसे गर्मा गर्म सर्व नहीं कीजिए, इसे ठंडा करके ही खाना पड़ेगा। देखिए अंदर से कितना रसीलापन हो गया है। रेसिपी को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।